हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में अभी तक हम लोग पढ़े हैं संविधान क्या है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में, मूल अवधारणा के रूप में हमने संविधान को देखा और संविधान के साथ साथ संविधान के प्रकार कितने होते हैं अलग अलग आधारों पर, वो वर्गीकरण हमने देखा। उसके बाद हमने एक अच्छा संविधान किसे कहा जाता है उसके बारे में भी चर्चा की। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक जो मूल संविधान की अवधारणा से ही जुड़ा हुआ है और वो है संविधानवाद, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है संविधानवाद किसी भी राज्य के बारे में। तो इस टॉपिक को शुरू शुरू करने के पहले हम बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। पहली पहली बात, संविधानवाद क्यों हम पढ़ते हैं, है ना? संविधानवाद को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस राज्य के अंदर रहते हैं और राज्य को जो शासन संचालित करता है ना, जिस राज्य का संचालन जिस शासन व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा है, उन दोनों का स्वरूप किस तरह का है। मतलब राज्य किस तरह का है, क्या वो उदारवादी है, क्या वो निरंकुश है, क्या वो आताताई है या लोक कल्याणकारी है, और उसके अनुरूप शासन किस प्रकार से काम कर रहा है, ये दोनों चीजें जानने के लिए एक स्पष्ट पिक्चर, एक स्पष्ट चित्र हमें पता चलता है। कब? जब अगर हम उस राज्य के संविधानवाद को समझते हैं, है ना? तो पहली बात, संविधानवाद का महत्व क्यों है? क्योंकि ये राज्य और शासन के स्वरूप को स्पष्टता प्रदान करता है, उसके बारे में जानकारी हमें देता है। दूसरी बात, किसी भी समाज के अंदर जो मनुष्य समाज है, उस समाज की अपनी मान्यताएं हैं, समाज में रहने वाले लोगों के रीति रिवाज हैं, उन समाज के लोगों की अपनी परंपराएं हैं। क्या राज्य और शासन इन मान्यताओं, परंपराओं और जन रीतियों को महत्व दे रहा है या नहीं? यानी कि शासन में जनता की परंपराओं, मान्यताओं, अभिव्यक्तियों, मूल्यों, इनका क्या स्थान है, इनकी क्या स्थिति है? अगर ये जानकारी हमको लेनी है तो हमें उस राज्य के संविधानवाद को समझना पड़ेगा। तो संविधानवाद का दूसरा महत्व, शासन के अंदर जन रीतियों, मान्यताओं, परंपराओं की स्थिति जानकारी जानने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, संविधानवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि शासन में और राज्य में जन भागीदारी किस स्तर की है, जन भागीदारी है या नहीं, है ना? तो ये चीज भी जानने के लिए संविधानवाद का अपना एक विशेष महत्व है। चौथी बात, अगर हम ये कहें तो संविधानवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये शासन के औचित्य, औचित्य का मतलब शासन सही है या नहीं, तो शासन के औचित्य के बारे में जन संतुष्टि, मतलब जनता शासन से कितनी संतुष्ट है भी या नहीं, है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ये जन संतुष्टि का जो मापदंड है वो मापदंड हमें संविधानवाद से पता चलता है। तो इसलिए भी इस विषय का हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात कि राज्य के अंदर या शासन के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की स्थिति क्या है, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, नागरिक उन अधिकारों का प्रयोग किस सीमा तक कर रहे हैं, अधिकारों का स्वरूप और प्रकृति क्या है, अगर ये सब कुछ अगर जानना है तो हमें संविधानवाद को समझना होगा। कहने का मतलब, मैंने 5 मूल बातें आप लोगों के सामने रखी। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसका महत्व क्यों है, पहली बात संविधानवाद को जानकर हम राज्य और शासन के स्वरूप के संबंध में स्पष्ट जानकारी अर्जित कर सकते हैं। दूसरी बात, संविधानवाद का महत्व इसलिए है क्योंकि संविधानवाद के माध्यम से हम जन रीतियों, मान्यताओं, परंपराओं की शासन में क्या स्थिति है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तीसरी बात, संविधानवाद का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उससे राज्य और शासन में जन भागीदारी का मूल्यांकन किया जा सकता है। चौथी बात, संविधानवाद का महत्व इसलिए भी है क्योंकि संविधानवाद से जन संतुष्टि,
शासन के औचित्य को लेकर जनता क्या सोचती है, उसका मापदंड क्या है, उसकी जानकारी पता चलती है। और आखिरी बात, संविधानवाद के माध्यम से किसी राज्य में नागरिकों के अधिकारों की स्थिति क्या है, उसका भी पता चलता है। तो इन 5 मूल बिंदुओं के तहत हम संविधानवाद के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं, इसलिए हम संविधानवाद की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। अब पहली बात, जैसे मैंने कहा, संविधानवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है संविधान, दूसरा है वाद। वाद का मतलब होता है विचारधारा, है ना। अब वो विचारधारा जो किससे जुड़ी हुई है, संविधान से जुड़ी हुई है। तो हम एक बार पहले संविधान का वापिस रिकैप कर लेते हैं, जो अर्थ हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था उसी अर्थ को एक बार समझ लेते हैं और उससे संविधानवाद को समझने की कोशिश करेंगे। संविधान है क्या, बेसिकली व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, है ना। और वो डॉक्यूमेंट किसका है, लिखित और अलिखित कानूनों का संग्रह। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी राज्य से जुड़े हुए लिखित कानून भी है और साथ ही साथ अलिखित कानून भी है। आप याद कीजिए, मैंने बताया था विश्व के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसका संविधान पूरी तरह से 100% लिखित है, या विश्व के अंदर कोई भी संविधान ऐसा नहीं है जिसका जो कि पूरी तरह से अलिखित है, है ना। तो इसीलिए जब हम संविधान की परिभाषा बताते हैं तो क्या कहते हैं कि संविधान लिखित और अलिखित कानूनों का एक संग्रह है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी संहिता जिसमें लिखित और अलिखित कानून होते हैं। और वो करते क्या है, मोटे तौर पर वो 3 तरह के संबंधों को निर्धारित करते हैं जो मैंने आपको संविधान के अर्थ के दौरान बताया था। पहला, राज्य के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति और दूसरा, इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशंस किस तरह के होंगे, है ना। तो व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों का निर्धारण ये लिखित और अलिखित कानून करते हैं। दूसरा, राज्य को संचालित करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल सरकार के रूप में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनका संगठन क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, कार्य और क्षेत्र क्या होंगे, शक्तियां क्या होगी, सीमाएं क्या होंगी, व्यक्ति के साथ इन संस्थाओं के क्या संबंध होंगे, ये सब भी कौन निर्धारित कर रहा है, कानून, लिखित और अलिखित, जो कि संविधान के अंदर दर्ज है। और तीसरा, व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार से होंगे, राज्य व्यक्ति को क्या सुविधाएं अधिकार प्रदान करेगा, व्यक्ति के राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, इन सब का निर्धारण भी जिन लिखित नियमों और कानूनों के आधार पर, लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों के आधार पर होता है, वो सब मिलकर संविधान कहलाते हैं। तो मोटे तौर पर संविधान में हमने क्या देखा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लिखित और अलिखित कानून होते हैं जो मोटे तौर पर 3 तरह के संबंधों को निर्धारित करते हैं। अब इसी संविधान से हम लोग संविधानवाद की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। संविधानवाद है क्या, है ना। तो संविधानवाद को हम समझने के लिए सबसे पहली बात समझते हैं मानव समाज की, कि मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में। अगर हम किसी समाज की बात करें तो समाज में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। एक मानव समाज अलग अलग वर्गों और समुदायों से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की बात करूं, भारत का जो नागर समाज है, भारत राज्य के अंदर जो नागरिक रहते हैं वो अलग अलग धर्मों के हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। तो वर्ग धर्म के आधार पर अलग अलग वर्ग बन गए, जेंडर के आधार पर अलग अलग वर्ग हैं, जाति के आधार पर ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, अलग अलग वर्ग हैं। आर्थिक आधार पर देखें तो उच्च वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं। तो कोई भी मानव समाज किसी भी राज्य का अगर हम ले लें तो वहां पर एक वर्ग निवास नहीं करता है, वहां पर अलग अलग वर्गों का निवास होता है और उन अलग अलग वर्गों से मिलकर उस राज्य का मानव समाज बनता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब अगर जैसे मैं अगर भारत की बात कर रहा हूं तो भारत का जो समाज बना है वो समाज अलग अलग वर्गों से मिलकर बना है और हर समाज की उस राज्य के अंदर, जैसे भारत के अंदर जो समाज है उस समाज के अपने आदर्श हैं, है ना, आइडियल्स। हर समाज के अपने आदर्श होते हैं, हर समाज की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा हूँ भारत के अंदर हिंदू हैं तो हिंदुओं की अपनी परंपराएं हैं, मुस्लिम हैं तो उनकी अपनी परंपराएं हैं, जैन हैं तो उनकी अपनी परंपराएं हैं। तो हर मानव समाज के अपने आदर्श होते हैं, हर मानव समाज की अपनी परंपराएं होती है, हर मानव समाज के अंदर अपने लोकाचार होते हैं। लोकाचार किसको कहते हैं, समाज के अंदर व्यवहार किस प्रकार से किया जाए, है ना।
तो हर मानव समाज के अंदर इस प्रकार के लोकाचार पाए जाते हैं। हर मानव समाज में अपनी अलग अलग परंपराओं के साथ रीतियां भी होती है, रिचुअल्स जिसको हम कहते हैं, रीति रिवाज। इसी तरह से हर मानव समाज की अपनी कुछ बिलीव्स, आस्थाएं भी होती है ना। और एक और चीज हम इसमें जोड़ते हैं, हर मानव समाज की अपनी कुछ वैल्यूज, मूल्य भी होते हैं। तो आप ये कुछ बातें याद रखिए कि हर समाज, मानव समाज के अपने आदर्श, अपनी परंपराएं, अपने लोकाचार, अपनी अभिवृत्तियां, अपनी रीति रिवाज, अपनी मान्यताएं, अपने मूल्य, अपनी आस्थाएं, ये सब होती है। और इन्हीं का संबंध संविधानवाद से है। आप लोग ध्यान रखिए, ये शुरुआती बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि अगर हमें हम ये जानते हैं कि हर मनुष्य मानव समाज की ये बेसिक चीजें हैं, अलग अलग हो सकती हैं लेकिन ये बेसिक चीजें हर मानव समाज में हैं, और इन्हीं से संविधानवाद की अवधारणा जुड़ी हुई है। तो अब हम आते हैं औपचारिक तौर पर संविधानवाद है क्या, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तो कुछ अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी बातों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ में एक विद्वान है पिनाक और स्मिथ। पिनाक और स्मिथ क्या कहते हैं, संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्यों का ही मामला नहीं है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी मैंने कहा संविधान लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का संग्रह है ना, तो केवल उन उन नियमों में क्या क्या प्रक्रियाएं बताई गई हैं, क्या क्या फैक्ट्स बताए हैं, केवल उनको जान लेना मात्र संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद क्या है, राजनीतिक शक्तियों के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण, ठीक है। और आगे क्या कहा है पिनाक और स्मिथ ने, प्रतिनिधित्व प्राचीन परंपराओं और भविष्य की आशाओं का भी प्रतीक है ना। तो ये दो चीजें, पहली बात केवल हम प्रोसेस और फैक्ट्स को संविधानवाद नहीं समझ सकते। तो संविधानवाद क्या है, तो पिनाक और स्मिथ कहते हैं कि राज्य को संचालित करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, जो शासन से जुड़ी हुई हैं, जितने भी संगठन हैं, उनके ऊपर नियंत्रण, इफेक्टिव नियंत्रण, प्रभावशाली नियंत्रण। और वो नियंत्रण आएगा कैसे, वो अभी हम देखेंगे अगली परिभाषा के अंदर, ठीक है। तो दूसरी बात, दूसरी परिभाषा जो सी एच स्ट्रॉन्ग कहते हैं, सी एच स्ट्रॉन्ग का मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि संवैधानिक राज्य वो है जिसमें शासन की शक्तियों, शासितों के अधिकारों और इन दोनों के बीच संबंधों का समायोजन किया जाता है। देखिए दो महत्वपूर्ण बातें कही गई है सी एफ स्ट्रॉन्ग के अनुसार, किसी भी राज्य के अंदर जो राज्य की शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं शासक, और जिनके ऊपर प्रयोग किया जाता है वो है शासित, है ना, जिसको हम अपनी भाषा में नागरिक कहते हैं, और शासक जो जिसको हम अपनी भाषा में सरकार कहते हैं। तो ये शासन जो कि शासक के द्वारा किया जा रहा है, उनकी शक्तियों और को के साथ शासितों के अधिकार क्या हैं, नागरिकों के अधिकार क्या हैं, क्या शासन निरंकुश होकर शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, या शासन उत्तरदायी है, या सीमित है, या उदारवादी है, या लिबरल वैल्यूज को अडॉप्ट करने वाला है, और क्या नागरिक व्यापक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं या केवल निरंकुश शासन के अधीन रहकर अपने जीवन का संचालन मात्र कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का समायोजन, संबंधों का समायोजन, संबंध किसके बीच में, शासक और शासितों के बीच के जो संबंध हैं उनको किस तरह से समायोजित किया जाता है, अगर ऐसी व्यवस्था है संविधान के माध्यम से, तो सी एफ स्ट्रॉन्ग उसको संवैधानिक राज्य के रूप में बता सकते हैं। ये चीज आपको अगली परिभाषा में और अच्छी तरह से समझ में आएगी। हम लोग बात करते हैं कोरी और अब्राहम, है ना। कोरी और इब्राहिम एक और परिभाषा व्यक्त करते हैं संविधानवाद के बारे में, स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। देखिए थोड़ी आधी अधूरी परिभाषा है, स्थापित संविधान, स्थापित संविधान मतलब वो संविधान जो बनाया गया है, जो नागरिकों के द्वारा स्थापित किया गया है, और उस संविधान में जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि शासन कैसे चलेगा, उस डायरेक्शन के अनुसार जब शासन संचालित हो रहा है तो उसको संविधानवाद कहते हैं। ये भी संविधानवाद की कुछ आधी अधूरी परिभाषा जो कोरी और अब्राहम ने दी है। एक और परिभाषा जो थोड़ी और विस्तृत है, जे एस राउजेक, राउजेक क्या कहते हैं कि एक धारणा के रूप में
एक 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 कॉन्सेप्ट के रूप में संविधानवाद का तात्पर्य है अनिवार्य रूप से सीमित सरकार। देखिए एक नया शब्द आया है लिमिटेड गवर्नेंस, अनिवार्य रूप से, और शासन के रूप में नियंत्रण की एक व्यवस्था। देखिए सरकार या शासन सीमित होने का क्या मतलब है, सरकार के या शासन के सीमित होने से तात्पर्य है कि वो निरंकुश होकर काम नहीं कर रही है, उसके ऊपर कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ बंधन हैं, वो बंधन कानूनी भी हो सकते हैं, वो बंधन समाज सम्मत भी हो सकते हैं, वो बंधन समाज की परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों, आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं के भी हो सकते हैं। जब किसी राज्य की सरकार इन सब से बनकर, जो भी मैंने कहा कि समाज के अंदर मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, आस्थाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, जब इन सब से बंधकर कोई सरकार कार्य करती है तो वो सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। तो ऐसी सरकार को हम क्या कह रहे हैं, ये सीमित सरकार है। तो राउजेक ने इस अर्थ में संविधानवाद को बताया है, संविधानवाद का मतलब सीमित सरकार की अवधारणा। ये एक नई बात जो यहाँ पर हम लोग बता। अगली परिभाषा की बात करें तो एक और विद्वान हुए हैं कार्टन और हर्ज, उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रत्येक संविधानवाद की अनिवार्य और सामान्य विशेषताएं। इन्होंने अलग अर्थों में संविधानवाद को बताया है। क्या कहते हैं ये कि मौलिक अधिकार, अधिकार किसको प्राप्त होते हैं, नागरिकों को, है ना, और उन अधिकारों की रक्षा कौन कर रही है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो अगर लोगों को अधिकार हैं अपने समाज, अपने धर्म, अपने व्यक्तित्व विकास के व्यापक अधिकार लोगों को प्राप्त है और उनकी रक्षा के लिए एक अगर स्वतंत्र न्यायपालिका है तो ये दोनों कौन सी व्यवस्था का अंग है, संविधानवाद का अंग है। तो एक अलग अर्थ में कार्टन और हर्ट्ज संविधानवाद को परिभाषित करते हैं। एक एक बड़ी परिभाषा हम लोग करते हैं केसी वियर की। केसी वियर कहते हैं संवैधानिक शासन का तात्पर्य है किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाना। देखिए आप याद करो, मैंने पिछली बार बताया था संवैधानिक सरकार, संवैधानिक सरकार अलग है और संविधानवाद अलग है, ये दो चीजें ध्यान रखना। संवैधानिक शासन किसको बोलते हैं, संवैधानिक शासन का मतलब है संविधान के अनुसार शासन चलाना। अगर संविधान गलत भी है, संविधान निरंकुश शासक के द्वारा भी बनाया गया है और उसके बावजूद उस संविधान के अनुसार शासन किया जा रहा है तो वो संविधानवाद नहीं है, वो संवैधानिक शासन है, मतलब संविधान के अनुसार शासन चलाना। लेकिन संविधानवाद में इससे अलग है, वियर क्या कहते हैं, आप देखिए सेकंड लाइन में वियर परिभाषित करते हैं कि संविधानवाद निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन, नियम के अनुसार शासन करना जिसमें निरंकुशता नहीं होगी। और नियमानुकूल शासन का मतलब क्या है, ऐसा शासन जिसमें जनता की भावनाओं की, जनता की आस्थाओं की, उनके हितों की, उनके मान्यताओं की, जनता की परंपराओं की पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। जब इस आधार पर विधि बनती है, कानून बनते हैं और उसके आधार पर नियमानुकूल शासन होता है तो वो संविधानवाद है ना। तो ये कैसी वियर संविधानवाद को थोड़े अलग अर्थों में परिभाषित करते हैं। ये जितनी भी परिभाषाएं अभी हमने देखी, इन सब परिभाषाओं का यदि सार रूप हम देखें संक्षेप में, तो संविधानवाद है क्या, आप लोग ध्यान से समझना, ये एक आधुनिक युग की महत्वपूर्ण अवधारणा है। मतलब आधुनिक युग किसको हम कहते हैं, जो 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं और 21वीं शताब्दी है, उस आधुनिक काल में राज्य के साथ जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है संविधानवाद। जैसे अभी आपको मैंने सबसे पहली स्लाइड में बताया था राज्य और शासन का स्वरूप क्या है, ये पता करना है तो हम संविधानवाद के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो आधुनिक काल में राज्यों और शासन के स्वरूप को जानने के लिए संविधानवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये क्या करती है, तो हम अगला एक महत्वपूर्ण इसका कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, संविधानवाद उन विचारों और सिद्धांतों की तरफ संकेत करता है। ध्यान से समझिए इसको, टुकड़ों टुकड़ों में समझने की कोशिश कीजिए। संविधानवाद उन विचारों और सिद्धांतों की तरफ संकेत करता है, कौन से विचार और सिद्धांत, जो संविधान का समर्थन करते हैं। कौन से संविधान का,
जिस उस संविधान का जो राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करती है। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा संविधान जो राज्य को चलाने वाले अलग अलग जो केंद्र हैं, जो राजनीतिक शक्तियां हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। नियंत्रण किसके माध्यम से? जनता की परंपराओं के माध्यम से, आदर्शों के माध्यम से, आस्थाओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं, अभिवृत्तियों, इन सब के माध्यम से संविधान जब राजनीतिक शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है तो वो संविधानवाद है। और हम क्या बता सकते हैं कि संविधानवाद में निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुसार शासन पर बल दिया जाता है। देखिए निरंकुश शासन का मतलब क्या है? जब शासक अपनी मर्जी से जन भावनाओं को इग्नोर करके शासन करता है, शासक के लिए अपने हित अगर सर्वोपरि होते हैं और उसके लिए अगर वो दमन, अत्याचार, शोषण इन सब का सहारा लेता है तो वो निरंकुश शासन है। इन सब के विपरीत अगर जनता के हितों को महत्व देते हुए नियमानुसार, मतलब वो नियम जो संविधान में उल्लेखित हैं, जब उसके अनुसार शासन होता है तो वो संविधानवाद है। और ऐसे संविधानवाद में मनुष्य की जो आधारभूत मान्यताएं हैं, जो आधारभूत आस्थाएं हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हम इसके संक्षिप्तीकरण में बता सकते हैं। एक और अगली चीज जो इन सारी परिभाषाओं के निष्कर्ष के रूप में आती है वो है संविधानवाद शासन की एक पद्धति है। तो हम एक आखिरी बात और इसके संक्षिप्तीकरण में कर रहे हैं कि संविधानवाद शासन की एक पद्धति है। ठीक है, मैं जितनी बातें कर रहा था वो इस निष्कर्ष में आ रही है। कौन सी पद्धति है? जिसमें जनता की आस्थाओं, मूल्यों, आदर्शों को परिलक्षित किया जाता है। मतलब हम जो चाहते हैं, देखिए मैं बहुत सरल भाषा में आपके सामने बात रखूं, हम मतलब नागरिकों का समाज जो कुछ चाहता है, नागरिकों का समाज जैसा है, मतलब उनकी जैसी परंपराएं हैं, उनके जैसे मूल्य हैं, उनके जैसी रीति रिवाज हैं, उन सबको ध्यान में रखकर जब संविधान बनता है, संविधान के नियम और सिद्धांत निर्धारित होते हैं, और जब ऐसे ही नियमों और सिद्धांतों के आधार पर शासन संचालित होता है तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं ये संविधानवाद है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बहुत सरल भाषा में, केवल तीन पंक्तियों में, ऐसी व्यवस्था जिसमें संविधान, किसी राज्य का संविधान वहां रहने वाली जनता की मान्यताओं, मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों, इन सबको ध्यान में रखकर बनता है, और जब ऐसे संविधान के अनुसार शासन होता है तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ये संविधानवाद है। और ऐसी व्यवस्था के अंदर शासक निरंकुश नहीं होता है बल्कि वो जन इच्छाओं के अनुरूप कार्य करता है। तो ये संविधानवाद का एक अर्थ जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसी पूरी बात के आधार पर अंतिम बात हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि शासक के ऊपर नियंत्रण किसका है? संविधान का। कौन से संविधान का? जो जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जनता की परंपराओं, जन समाज, मानव समाज की समस्त अवधारणाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और जब उसके अनुसार वो शासन संचालित हो रहा है तो वो शासन क्या है? वो सीमित भी है और वो उत्तरदायी भी है, लिमिटेड गवर्नेंस भी है और रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस भी है। तो ये संविधानवाद किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? सीमित शासन को और उत्तरदायी शासन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसमें प्रतिबंधों की व्यवस्था है। किस पर प्रतिबंध? शासक पर। किसके प्रतिबंध है? जन समाज के परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों, इन सब के प्रतिबंध है। तो ये जो पूरी अवधारणा है इसको हम संविधानवाद के रूप में समझ सकते हैं। इस पूरी अवधारणा, जो अर्थ अभी हमने देखा, जो परिभाषाएं अभी हमने देखी, उन सब बातों के आधार पर कुछ विशेष बिंदुओं की चर्चा हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए ये भी आपके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, सभी राज्यों में संविधान अनिवार्यतः है ना। आज हम बात करें विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, जिनको आप राज्य कह रहे हैं, हम लोग राज्य कह रहे हैं, राजनीति विज्ञान की भाषा में देश कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में, उनमें संविधान अनिवार्यतः है। वो संविधान किस तरह से बना है वो अलग बात है,
कहीं पर निरंकुश संविधान है, कहीं पर नागरिकों के हितों के अनुरूप संविधान बना है, अलग अलग तरह से संविधान बने हैं, लेकिन हम क्या बता सकते हैं, हर राज्य का अपना एक संविधान अभी है। लेकिन अब आप देखिए, हर राज्य का अपना संविधान है, लेकिन हर राज्य में संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं है। आप लोग इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, जोड़िए। मैंने पहली बात क्या कही कि हर राज्य का अपना एक संविधान अनिवार्यतः होता है, जो शासक के द्वारा भी बनाया जा सकता है, नागरिकों के द्वारा भी बनाया जा सकता है, शासक के हितों के अनुकूल भी बनाया जा सकता है, नागरिकों के हितों के अनुकूल भी बनाया जा सकता है। तो हर राज्य में अनिवार्यतः एक संविधान होता है। लेकिन दूसरी बात मैंने क्या कही कि संविधान होने के बावजूद हर राज्य में संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, इसी को उल्टा हमें कह रहा हूं, जहां संविधान है वहां संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं। दूसरे और तीसरे बिंदु में समानता है, सभी राज्यों में संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं, और जिन राज्यों में संविधान है अनिवार्यतः वहां संविधानवाद भी हो ये जरूरी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि संविधानवाद के लिए ये जरूरी है कि संविधान का नागरिकों के या मानव समाज के आदर्शों, परंपराओं, मूल्यों, आस्थाओं, अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, मान्यताओं, इन सब पर आधारित होना जरूरी है। तो अगर किसी राज्य का संविधान इस तरह से बना है जिसमें मैंने अभी जितनी बातें बताई हैं वो सब सम्मिलित हैं, तब तो वहां संविधानवाद होगा। लेकिन अगर किसी राज्य का संविधान शासक की निरंकुश प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, एक वर्ग विशेष के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और जब उस संविधान के अनुसार शासन हो रहा है, तो वो संविधान होते हुए भी, उस राज्य में संविधान होते हुए भी वहां संविधानवाद नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने अभी आपको, या आप देखो ये दूसरा और जो तीसरा बुलेट है कि सभी राज्यों में संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं है। तो वो क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि संभव है कि उन राज्यों में शासक के हितों को महत्व दिया गया है। इसीलिए इसी तरह जहां संविधान है जरूरी नहीं है कि वहां भी संविधानवाद हो। क्यों, क्योंकि शासक अपनी इच्छा से संविधान बना सकता है और उसके अनुसार शासन कर सकता है। अगर ऐसा है इसका मतलब वहां पर भी जनता की, समाज की उपेक्षा हुई है। इसीलिए हम ये दो बात कह रहे हैं कि सभी राज्यों में संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं है, और जहां पर भी संविधान है जरूरी नहीं है कि वहां संविधानवाद हो। लेकिन इन दोनों बिंदुओं से इतर हम एक अगली बात और करते हैं। देखिए लास्ट चौथा बात इसमें ने क्या लिखा है कि जहां पर भी संविधानवाद है वहां पर संविधान जरूरी है, संविधान होगा ही होगा। मैं फिर दो चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। जहां पर भी संविधानवाद है, जिन राज्यों के अंदर संविधानवाद है, हम आंख मीच कर ये कह सकते हैं कि वहां पर संविधान है। लेकिन जिन जिन राज्यों में संविधान है हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह संविधानवाद होगा। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण है जो आपको नीचे वाले दो बुलेट्स इस डायग्राम में दिख रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन जिन राज्यों में संविधान है जरूरी नहीं कि वहां पर संविधानवाद हो, लेकिन जिन जिन राज्यों में संविधानवाद है अनिवार्यतः वहां पर संविधान पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हम संविधानवाद के बारे में समझ सकते हैं, बता सकते हैं। यहां तक अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। अभी हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं अगला टॉपिक जो संविधान और संविधानवाद में अंतर है वो हम कल की क्लास में देखेंगे।